पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना का असर रायगढ़ स्टेशन और रेल यात्रियों में भी देखने को मिला। जहां एक और हादसे के बाद स्टेशन में आने जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी घट गई है, तो वहीं ट्रेनों की लेट लतीफी के पीछे भी यात्रियों ने रेल हादसे को जिम्मेदार बताया है। यात्रियों का कहना है कि पैसेंजर ट्रेनों की लेट लतीफी का आलम यह है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्री एक दिन पहले निकलने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी राज्य के दूसरे शहरों जिनमें राजधानी रायपुर और बिलासपुर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को हो रही है। उन्हें आने और जाने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय लग रहा है। बहुत से यात्रियों का मानना है कि हादसे के कारण ही रेल व्यवस्था बिगड़ी है। वहीं पैसेंजर ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर यात्रियों ने केंद्रीय रेल मंत्री को आने हाथों लिया है। ट्रेन लेट होने का कारण तो पहले ये है कि जो ओडिशा में हादसा हुआ है, जो ट्रेन का कोलोजन हुआ है जिसके कारण इतने लोगों की डेथ हुई है, उसके कारण से भी हम लोग का ये हुआ है कि अभी हम लोग सीयूटी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो अपना क्या है, हम लोग स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग आना जाना करते, तो इसके लिए हम लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग एक दिन पहले जाना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन लेट हो जा रही है, स्लो डाउन हो रही है, या फिर जितने जिस टाइम पे है, जैसे कि हमारा था क्या डीआर मेमू था जो कि 235 पे छूटती है यहाँ से, तो वो क्या हो गया, वो अभी हम लोग 40 मिनट से बैठे हैं यहाँ पे आके स्टेशन पे, तो वो लेट हुई है, तो हम लोगों को ये डिस्टर्ब हो। इधर रायगढ़ रेलवे स्टेशन प्रांगण में दुर्घटना हेल्प डेस्क खोला गया है। यहाँ आकर उक्त हादसे में मृत या घायल हुए लोगों की जानकारियाँ उनके परिजन ले सकते हैं। दोनों विषयों को लेकर स्टेशन मास्टर पीके राउत ने मीडिया को बताया कि हादसे की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन का रूट चेंज हुआ है, जो वर्तमान में रायगढ़ स्टेशन मुंबई हावड़ा रूट से ट्रेन आ रही है। राउत ने यह भी बताया कि दुर्घटना के बाद स्टेशन में हेल्प डेस्क जरूर खोला गया है, जिस पर दो कर्मचारियों की नियमित ड्यूटी लगाई गई है। घटना के संबंध में कोई भी पीड़ित परिजन अपने लोगों की स्थिति की जानकारी यहां से हासिल कर सकता है, परंतु जब से हेल्प डेस्क खुला है अभी तक कोई भी पीड़ित व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है। रायगढ़ से राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। जो दुर्घटना हुई है उसमें जो हेल्प लाइन है वहाँ का एरिया में जो हेल्प लाइन नंबर खोला गया है वो हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। हमारे यहाँ भी एक हेल्प डेस्क खोला गया है, वहाँ पर उधर के जितने हेल्प लाइन है सब अवेलेबल है, और हमारे हेल्प डेस्क में अभी तक कोई आया नहीं है। अगर किसी को कोई जानकारी है तो आके पता करेंगे तो हम लोग हेल्प लाइन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। उत्कल एक्सप्रेस जो बालेश्वर होते हुए आता है वो डाइवर्टेड बाय संबलपुर होते जा रहा है, एक गाड़ी है।